नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं चिरचिट के लाभों के बारे में। चिरचिट बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, जिनमें से है गुर्दे की पथरी, खूनी बवासीर, कुष्ठ, विसूचिका यानी कि हैजा, शारीरिक दर्द, तृतीयक बुखार, खांसी, आंवयुक्त दस्त, बवासीर यानी कि अर्श, गुर्दे के रोग, पक्षाघात, लकवा, फालिस, पैरालिसिस, जलोदर, शीतपीत, व्रण यानी कि घाव, उपदंश यानी कि सिफिलिस, नाखून की खुजली, नासूर यानी कि पुराना घाव, शरीर में सूजन, बच्चों के रोगों में भी ये लाभकारी होती है। अब आइए बारी बारी से हम जानते हैं कि किस रोग को किस प्रकार से यूज करने पर चिरचिटा दूर करता है। सबसे पहले गुर्दे की पथरी। लगभग 1 से 3 ग्राम चिरचिटा के पांचांग का क्षार बकरी के दूध के साथ दिन में 2 बार लेते रहते हैं अगर आप, तो इससे गुर्दे की पथरी गलकर नष्ट हो जाती है। खूनी बवासीर। चिरचिटा की 25 ग्राम जड़ों को चावल के पानी में पीसकर बकरी के दूध के साथ दिन में 3 बार लेने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। इसके बाद कुष्ठ रोग के लिए चिरचिटा के पांचांग का काढ़ा लगभग 14 से 28 मिलीलीटर दिन में 3 बार सेवन करने से कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ रोग ठीक हो जाता है। विसूचिका, जिसे हम हैजा कहते हैं। चिरचिटा की जड़ों को 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा में बारीक पीसकर दिन में 3 बार देने से हैजा में लाभ मिलता है। शारीरिक दर्द यानी कि आपके अगर शरीर में दर्द रहता है तो उसके लिए चिरचिटा की लगभग 1 से 3 ग्राम पांचांग का क्षार नींबू के रस में या शहद के साथ दिन में 3 बार देने से शारीरिक दर्द में लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको अगर तृतीयक बुखार है तो चिरचिटा की जड़ को लाल रंग के 7 धागों में रविवार के दिन लपेटकर रोगी की कमर में बांध देने से तिजारी बुखार चला जाता है। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो चिरचिटा को जलाकर उसके बराबर वजन की चीनी मिलाकर 1 चुटकी दवा माँ के दूध के साथ रोगी को देने से खांसी बंद हो जाती है। आंवयुक्त, अगर आपको दस्त आ रहा है, अजा झाड़े यानी कि चिरचिटा के कोमल पत्तों को मिश्री के साथ मिलाकर अच्छी तरह पीसकर मक्खन के साथ धीमी आग पर रखें। जब यह गाढ़ा हो जाए तब इसको खाने से आंवयुक्त दस्त में लाभ मिलता है। बवासीर यानी कि अर्श। 250 मिलीलीटर चिरचिटा का रस, 50 मिलीलीटर लहसुन का रस, 50 मिलीलीटर प्याज का रस और 125 मिलीलीटर सरसों का तेल, इन सबको मिलाकर आग पर पकाइए। पके हुए रस में 6 ग्राम मैंसिल को पीसकर डाल लीजिए और 20 ग्राम मोम डालकर महीन मलहम यानी कि पेस्ट बना लीजिए। इस मलहम को मसों पर लगाकर पान या धतूरे का पत्ता ऊपर से चिपकाने से बवासीर के मस से सूख कर ठीक हो जाते हैं। चिरचिटा के पत्तों के रस में 5 से 6 काली मिर्च पीसकर पानी के साथ पीने से बवासीर में आराम मिलता है। गुर्दे के रोग। 5 से 10 मिलीलीटर चिरचिटा की जड़ का काढ़ा सुबह शाम मुलेठी, गोखरू, पाठा के साथ खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। इसकी क्षार अगर भेड़ के पेशाब के साथ खाएं तो गुर्दे की पथरी में ज़्यादा लाभ देती है। पक्षाघात यानी कि लकवा में पैरालिसिस के केस में 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षाघात ठीक हो जाता है। अगर आपको जलोदर है तो चिरचिटा का चूर्ण लगभग 1 ग्राम इसका 1/4 भाग की मात्रा में लेकर पीने से जलोदर, पेट में भरा हुआ पानी की सूजन कम होकर समाप्त हो जाती है। शीतपीत से अगर आप पीड़ित हैं तो चिरचिटा के पत्तों के रस में कपूर और चंदन का तेल मिलाकर शरीर पर मालिश करने से शीतपीत की खुजली और जलन खत्म होती है। व्रण में यानी कि अगर आपको घाव हो जाए तो फोड़े की सूजन एवं दर्द कम करने के लिए चिरचिटा, सज्जी खार अथवा जवा खार का लेप बनाकर
फोड़े पर लगाने से फोड़ा फूट जाता है, जिससे दर्द एवं जलन में रोगी को काफ़ी आराम मिलता है। उपदंश यानी कि सिफिलिस हो जाने पर चिरचिटा की धुनी देने से उपदंश के घाव मिट जाते हैं। 10 मिलीलीटर चिरचिटा की जड़ के रस को सफ़ेद जीरे के 8 ग्राम चूर्ण के साथ मिलाकर पीने से उपदंश में बहुत लाभ होता है। इसके साथ रोगी को मक्खन भी साथ में खिलाना चाहिए। नाखून की खुजली। चिरचिटा के पत्तों को पीसकर रोजाना 2 से 3 बार लेप करने से नाखूनों की खुजली दूर हो जाती है। अगर आपको नासूर यानी कि पुराना घाव है तो नासूर दूर करने के लिए चिरचिटे की पत्तियों को पानी में पीसकर रुई में लगाकर नासूर में भर दें, इससे नासूर मिट जाता है। शरीर में सूजन। लगभग 5-5 ग्राम की मात्रा में चिरचिटा खार, सज्जी खार और जवा खार को लेकर पानी में पीसकर सूजन वाली गांठ पर लेप की तरह से लगाने से सूजन दूर हो जाती है। बच्चों के रोगों में भी ये बहुत ही लाभकारी है। जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि अगर बच्चे की आँख में माता यानी कि दाने निकल आएँ तो दूध में चिरचिटा को घिस कर आँख में काजल की तरह लगाएँ, इससे वो ठीक हो जाएगा। जिस बच्चे या औरत आदमी के बिच्छू ने डंक मारा हो उसे चिरचिटे की जड़ का स्पर्श कराएं अथवा 2 बार दिखाएं, इससे जहर उतर जाता है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हमारे भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी औषधियां उपलब्ध हैं जिनके सहारे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इन्हीं सबको मिला करके दवाएँ भी बनाई जाती हैं। तो अगर हम खान पान को कंट्रोल रखें और सही चीज़ों का सेवन करें तो अपनी बीमारियों से खुद बचे रह सकते हैं। इसी कड़ी में हमारा ये प्रयास रहता है अपने चैनल के माध्यम से कि आप हर एक चीज़ को समझ जाएं, यानी कि क्या खाने से किस प्रकार की बीमारी दूर की जा सकती है, कौन से तत्व की शरीर में पूर्ति होती है जिसकी वजह से वो बीमारी दूर होगी, ये हम बताने का प्रयास करते हैं। अगली कड़ी में हम जुड़ेंगे ऐसी ही कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।